बेगूसराय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बेगूसराय पुलिस ने 4 लूटकांड और 2 गोलीबारी मामले के 11 आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 5 देसी कट्टा, 7 कारतूस, 6 मोबाइल, 33,000 नगद और लूट की 2 बाइक बरामद की है। 18 जनवरी को एफसीआई थाना क्षेत्र के जालिलपुर में एक बंधन बैंक के कर्मचारी से 1 लाख नगद और मोबाइल की लूट की गई थी। वहीं 25 जनवरी को बीरपुर थाना के नूरपुर पुलिया के पास अपराधियों ने एक बाइक और मोबाइल की लूट की थी। 28 जनवरी को गरहरा ओपी के पकड़ी चौक में एक फाइनेंशियल कंपनी के कर्मी से 50,000 से ऊपर की लूट की गई थी। तो वहीं 16 दिसंबर 2020 को गरहरा थाना क्षेत्र के बारो बांध के निकट एक निजी बैंक कर्मी से 70,000 से ऊपर की लूट की गई थी। इन सभी मामले में सरगना कौशल कुमार समेत पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। सभी आरोपियों ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। साथ ही आपको बता दें कि सभी आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर 27 जनवरी को अहले सुबह अपराधियों ने नगर थाना के नगर निगम चौक पर एक जनरल स्टोर के कर्मचारी को गोली मारकर घायल कर दिया था। इस मामले में भी पुलिस ने मुख्य आरोपी रामबाबू कुमार समेत श्याम कुमार, नीतीश कुमार एवं दीपक कुमार उर्फ बोडा को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को बदमाशों ने क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद की वजह से अंजाम दिया था। के मिड के बाद साधारण मंडल क्षेत्र में कुछ लूट की घटनाएं प्रतिवेदित हुई, जिसमें कुछ फाइनेंशियल जो कर्मी थे उनसे कुछ रुपए लूटने के और रोड से कुछ मोटरसाइकिल लूटने के कांड प्रतिवेदित हुए थे, जिनके अनुसंधान के लिए, उद्भेदन के लिए और गिरफ्तारी के लिए एक टीम एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में बनाई गई थी। ये टीम सूचना संकलन लगातार कर रही थी, तकनीकी भी और मैनुअल भी। इसी क्रम में कल 3 तारीख को सूचना मिली शाम में कि कुछ अपराधी एफसीआई थाना क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं हथियार के साथ, और इसका सत्यापन करने के लिए और गिरफ्तारी करने के लिए जो टीम गठित की गई थी वो तत्काल वहां पर रश की, और इस टीम ने वहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया, 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया अवैध आग्नेयास्त्र के साथ। और इनसे जब पूछताछ की गई तो जो विगत कुछ दिनों में लूट की घटनाएं हुई थी जिले में उनका उद्भेदन हो पाया है। इसमें 18 जनवरी को एफसीआई ओपी क्षेत्र से एक बंधन बैंक कर्मचारी से 1 लाख रुपया और मोबाइल लूटने का कांड प्रतिबंधित हुआ था, उसमें अपनी संलिप्तता इन लोगों ने स्वीकार की है। 25 जनवरी को बीरपुर से एक मोटरसाइकिल लूटने की घटना हुई थी प्रतिवेदित, उसका उद्भेदन हुआ है और लूटी गई मोटरसाइकिल भी रिकवर कर ली गई है। 28 जनवरी को गढ़ारा ओपी के ठकुरी चक से फाइनेंशियल कर्मी से 57,000 रुपया लूटा गया था, उसमें भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। और एक केस लास्ट ईयर दिसंबर का, 16 दिसंबर का है, गढ़ारा ओपी का ही, बारो बांध के पास से एक बंधन बैंक के कर्मचारी के साथ इन्होंने लूट की घटना की थी, इसका भी उद्भेदन हुआ है। तो कुल 4 केसेस इन लोगों की गिरफ्तारी से डिटेक्ट हुए हैं। तो इनके पास से अवैध अग्नियास्त्र और 33,000 रुपया भी रिकवर हुआ है। अब ये 33,000 रुपया 2 केसेस हमारे हुए थे जो फाइनेंशियल कर्मियों के पास से पैसा लूटा गया था, तो कितना अमाउंट एफसीआई वाले केस का है, कितना गढ़ारा ओपी वाले केस का, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन ये दोनों केसेस के ही मिले जुले जो अमाउंट हैं बचे हुए शेष वो है। पूछताछ में एक चीज और पता चली कि जो एफसीआई ओपी में बंधन बैंक के कर्मचारी के साथ लूट की घटना हुई थी, एक्चुअली वो 47,000 की लूट की घटना हुई थी, लेकिन कर्मी के द्वारा 1 लाख का केस करवाया गया। उसके बारे में हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं, उसको पूछताछ कर रहे हैं, और यदि जो संबंधित कर्मी है जो कांड का वादी भी है उसकी कहीं पे भी कोई इलीगल एक्टिविटी दिखती है तो उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितनी गिरफ्तारी हुई साहब? इस पूरे केस में 5 लोग जो एक जगह से पकड़े गए, और पूछताछ में एक और व्यक्ति बाबुल कुमार उर्फ रुद्रा जो हर केस में लाइनर का काम करता था उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। जितने भी लूट की घटनाएं होती थी सभी में लाइनर का काम वही करता था। ये टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी इन 4 लूट के कांडों में हुई है। महत्वपूर्ण उपलब्धि है पूरी टीम की। इसमें 3 देसी कट्टा, 3 कारतूस, 5 मोबाइल, 33,000 नगद, 1 लूटी गई मोटरसाइकिल और 1 घटना में जो यूज की गई मोटरसाइकिल थी
वो रिकवर की गई है। इसके साथ साथ दो और महत्वपूर्ण कांडों में गिरफ्तारी हुई है, उद्भेदन हुआ है। एक जो टाउन थाना में 1 जनवरी को गोली मारी गई थी बीएम अस्पताल रोड पोखरिया के पास, हर्ष कुमार मिश्रा को अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध 307 और 27 आर्म्स एक्ट में कांड दर्ज किया गया था, उस कांड का भी उद्भेदन हुआ है। और उसमें एक प्रेम कुमार राय जो पोखरिया का रहने वाला है उसकी गिरफ्तारी हुई है, उससे पूछताछ किया गया है, उसने संलिप्तता स्वीकार कर ली। एक और व्यक्ति का नाम उसने बताया जिसके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। कारण उसमें ये पूछताछ में आया है कि हत्या का कोशिश नहीं थी, ये लोग सभी जान पहचान के थे जिनको गोली लगी थी वो भी, और जिससे गोली चली थी वो भी, आपस में ये लोग हथियार को खोल जोड़ कर रहे थे जिसमें एक्सीडेंटली गोली चली और गोली वादी को लगी। एक और केस जो इम्पोर्टेंट है उसका उसमें गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में पहले मैं बता दूं। 27 तारीख को टाउन थाना क्षेत्र के दिनकर कला भवन के सामने एक फायरिंग की घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति घायल हुए थे और उनके बयान पे क्या कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा था। उसमें नीतीश कुमार की गिरफ्तारी हुई जो नेम्ड एक्यूज था, और इसमें संलिप्तता अपनी स्वीकार कर ली है। इसमें घटना का कारण प्रकाश में जो आया है, क्रिकेट मैच खेलने के दौरान दोनों में विवाद हुआ था कुछ माह पहले, और बराबर रास्ते पर आते जाते समय वादी को अपराधियों के द्वारा टॉर्चर किया जाता था, तंग किया जाता था, और उसमें अंततः ये 27 तारीख को गोली मारी गई थी। उसमें उस केस में 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। टोटल जो कल पूरी टीम सदर अनुमंडल के पदाधिकारी के नेतृत्व में जो टीम ने कार्य किया है उसमें टोटल 11 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। 33,000 रुपया कैश बरामद हुआ है, एक लूटी गई मोटरसाइकिल, एक लूट में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल, 5 देसी कट्टा और 7 जिंदा गोलियां, कुछ मोबाइल्स बरामद हुई है। ये टोटल कल की उपलब्धि थी। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कुछ समाचार पत्रों में भी खबर प्रकाशित हुई थी, बखरी अनुमंडल क्षेत्र में विगत कुछ दिनों में कुछ लूट की घटनाएं हुई थी, जिसके लिए एसडीपीओ बखरी के नेतृत्व में वहां के जो थानाध्यक्ष से सभी की टीम बनाई गई थी, और समस्तीपुर से कॉन्टैक्ट उसमें पता चला था कि वहां के अपराधी उसमें घटनाकारित कर रहे हैं, तो समस्तीपुर पुलिस का भी सहयोग रहा उसमें, और बिथान थाना प्रभारी अन्य वहाँ के पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के सहयोग से वहाँ पे गिरफ्तारियाँ हुई हैं। आप लोगों ने उसको प्रकाशित भी किया था, उससे 3 लूट की बेगूसराय जिले से संबंधित 3 लूट की घटनाएं थी, उनका उद्भेदन हुआ था, और उसमें लूटी गई मोटरसाइकिल कैश वो भी रिकवर हुई थी। उन सभी अपराधियों को हम लोग यहाँ पर रिमांड लेकर आगे की कार्रवाई करें।